पूर्वी चंपारण जिले में एक के बाद एक यानी दर्जनों से ज्यादा हत्याकांड को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले अपराधी को मोतिहारी पुलिस गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुख्यात शूटर अजीत आनंद उर्फ बिट्टू को जिले के घोड़ा सहन स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अजीत आनंद घोड़ा सहन आया हुआ था। अजीत आनंद के ऊपर जिला के विभिन्न थाने में हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के लगभग 15 मामले दर्ज हैं। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने अजीत आनंद उर्फ बिट्टू की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह शातिर अपराधी है और हाल ही के दिनों में जिले में हुए कई हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इस अपराधी के घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सिरकहना अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर अपराधी को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। अपराधी अजीत आनंद के स्टेशन पर पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी से कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बिहारी जिले में पिछले महीने हुई दो लगातार हत्याओं में जो शामिल शूटर है उसकी पहचान कर ली गई थी और उसको लेकर के एसआईटी की टीम लगातार छापामारी कर रही थी। इसी सिलसिले में घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन के पास से कल जो है बिट्टू शाह उर्फ अजीत आनंद को गिरफ्तार किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इसने उन हत्याओं को अंजाम दिया है। इसके साथ ही इस पर हत्या, लूट और शराब के और आर्म्स एक्ट के करीब 15 केसेस अभी तक सामने आए हैं। ये कुख्यात अपराधी जो है लगातार घटनाएं कर रहा था और इस पे जो है एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और इसको हम लोग जेल भेजेंगे। कोई हथियार नहीं, अभी हथियार बरामदगी की बात नहीं हुई है, अभी हम लोग उसको पुलिस रिमांड पर लेंगे, पूछताछ होगी, उसके बाद छानबीन में अग्रतर मामला सामने आ सकता है। कितने हत्याकांडों में स्वीकार किया है अभी तक? तो इसके 4 हत्याकांडों में जो है संलिप्तता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निकल गई है, अन्य मामलों में भी जांच की जा रही है। इसके साथ इसमें लूट और डकैती की घटनाएं भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी केसेस इस पर सामने आए हैं।